जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय कथा प्रेमियों, मेरे हृदयांश श्रोता समाज बंधुओं, बेस ऑफ लाइफ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी श्रोता समाज भाइयों का दिल से स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं महाभारत की एक और अनोखी और विचित्र कथा आपके बीच लेकर गया हूँ, जिस कथा में मैं आपको बताऊँगा कि जब पितामह भीष्म को प्यास लगी थी, जब वो सरसैया पर लेटे थे और जब वो प्यास से तड़फड़ाने लगे थे, तो उनकी प्यास बुझाने के लिए किस योद्धा ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया था। तो चलिए, मैं बिना देर किए वीडियो शुरू करता हूँ। महाभारत का भयानक युद्ध चल रहा था और उसमें अर्जुन के बाणों से घायल होकर के पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे हुए थे और सरसैया पर लेटे लेटे वो पांडव और कौरव दोनों दल के एक दिशा निर्देशन, एक मार्गदर्शक भी थे। चूँकि युद्ध के समाप्ति के बाद पांडव और कौरव दल से दोनों दल के योद्धा जहाँ पर भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे, ये दोनों दल के योद्धा उनसे जाते थे और मंत्रणा करते थे, उनसे कुछ उपदेश सुनते थे, ज्ञानवर्धक बातें सीखते थे। एक दिन ऐसा ही हुआ, पांडव और कौरव दोनों दल के महान योद्धा भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे और उनके पास दोनों दल के महान योद्धा खड़े थे, जिसमें 5 पांडव भी थे और कौरवों के तरफ से दुर्योधन और अनेक ऐसे योद्धा भी थे जो उसके दल के साथ जुड़े हुए थे। अचानक उपदेश देते देते भीष्म पितामह को प्यास लगी। उन्होंने अपनी प्यास की इच्छा प्रकट की और कहा, मेरे प्रिय बच्चों, मुझे थोड़ी सी जल पिला दो। इस पर दुर्योधन ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि जल्द से जल्द पितामह भीष्म के लिए जल लाइए। सेवक अभी जा ही रहे थे कि अचानक भीष्म पितामह ने रोक दिया और कहा, हे दुर्योधन, तुम शायद नहीं समझ पा रहे मैं कौन से जल की बात कर रहा हूँ। इस सरसैया पर जिसने मुझे लिटाया है, वो इस बात को जानता है कि पितामह भीष्म किस तरीके का जल पीना चाहेंगे। शायद मेरी प्यास अर्जुन ही बुझा पाएंगे। और इस बात को अर्जुन ने सुना और तुरंत अपनी गांडीव धनुष पर बाण चढ़ाया और अपनी गांडीव धनुष से उस बाण का निशाना पृथ्वी पर साधा। पृथ्वी पर निशाना साधते ही अर्जुन ने अपने धनुष से बाण छोड़ा और माँ धरती का सीना चीरते हुए वह बाण नीचे चला गया, जिससे पाताल गंगा उत्पन्न हुई। और यह प्रमाण मिलता है कि वह जल की जो धार निकली थी धरती से, मात्र उतनी ही निकली थी जिससे कि पितामह भीष्म की प्यास बुझ सके, और वह जल की जो धार थी सिर्फ और सिर्फ पितामह भीष्म के मुँह में गिरी थी। इस तरीके से पितामह भीष्म की प्यास बुझी और यह प्यास बुझाने वाले उनके शिष्य सबसे प्रिय अर्जुन थे, जिन्होंने अपने बाण से, अपने पराक्रम से, अपने दादा से पितामह भीष्म की प्यास बुझाई थी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करें अच्छी लगी तो, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ ऐसी ही और भी अनोखी घटनाओं के साथ मिलता हूँ आपसे अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।